आ भी जा, आ भी जा, ए सुबह आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ए सुबह आ भी जा, रात को कर विदा ग्लैटर लगाया था हम उसके ऊपर ऐसे सिर्फ ऊपर से इस बुरबुर को डालेंगे जहाँ पर हमने फेविकॉल लगाया था अभी अभी जस्ट। तो ये अभी हमने आई का एक टुकड़ा लिया हुआ है और ये देखिए फिर इसको एक्सेस जो उसका होगा उस एक्सेस को हम झाड़ देंगे। ये डिपेंड करता है कि फेविकॉल पूरे सारे कोनों पर लगाए या नहीं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी फेविकॉल छूटा कहीं से वहीं ये पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा। देखो ये कोना जो है ये साइड का ये छूट गया है और इस कोने पर दोबारा से फेविकॉल लगाएंगे और फिर करेंगे। तो इसलिए ये मेक श्योर करो कि ये पूरी तरीके से हो जाए। अब ये मेरे पास सी है, मैं इसके ऊपर ये फेविकॉल लगा रही हूँ। हमने एक जो चार्ट पेपर है वो नीचे पहले से बिछा रखा है जिसकी वजह से यहाँ कुछ भी गंदा ना हो जाए या हमारा जो ग्लिटर है जो बाहर फैल ना जाए या वो खराब ना हो या वेस्ट ना हो। रात को दोबारा से इस पर फेविकॉल तैयार है। ये मार्केट में जैसे मिलते हैं बने हुए सेम उसी तरीके का है और हम इसे घर पे बहुत ही इजीली बहुत ही कम दामों में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं अभी आपको और जो बाकी के हैं वो भी बनवा कर अभी दिखाती हूँ। फेविकॉल
बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि जिस तरीके से हम फेविकोल लगाएंगे, हमारा जो डिज़ाइन है उस पर जो हम जो ये ग्लिटर लगा रहे हैं वो उसी तरीके से निकल कर आएगा जिस तरीके का हम फेविकोल लगा रहे हैं। तो ये हमने अभी आर लिया हुआ है, अब हम इसके ऊपर फिर से ग्लिटर डालेंगे। कम फेविकॉल है, अगर हमें उसमें ज़्यादा कम चलाना है तब भी हम ये ट्रिक आजमा सकते हैं। एक्चुअली वैसे तो ये क्योंकि बहुत हल्का होता है तो ये पानी लगे वो फेविकॉल में भी जुड़ जाता है, ये हो जाता है। देखिए इसे हम अभी दोबारा करेंगे क्योंकि इसके कोने रह गए थे, और ये अभी हमने ये दोबारा किया है। पेपर को बड़ा ही नीचे रख लेना बहुत ही सही रहता है, क्योंकि ये जब हम इसे चढ़ाते हैं ना तो ये हमारा सजन कर जाता है। ये देखिए, मेरे दिल के पागलपन की सीमा क्या है, ये देखो तू है मेरी छाया, तुझ में मैं हूँ गगन तू है जमीन अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा आ भी जा आ भी जा।